आवाज आ रही है सोनाली? सोनाली आवाज आ रही है ना? सोनाली आवाज आ रही है ना? हमने लास्ट लेक्चर में देखा कसूती एम्ब्रॉयडरी के बारे में, ठीक है। कसूती कर्नाटका से बिलोंग करती है और हमने जो एम्ब्रॉयडरी देखी वो चार चार टाइप्स की हमने देखी है कसूती, ठीक है। कसूती में हमने मेंथी एक डिजाइन देखा था, नेगी देखा था, मुर्गी और गवंथी देखा था। अब आज हम अभी फुलकारी के बारे में देखते हैं। फुलकारी जो है ये पंजाब से रिलेट करती है, ठीक है, बिलोंग करती है। और फुलकारी में पूरा जो एम्ब्रॉयडरी थ्रेड यूज होता है वो सिल्क का एम्ब्रॉयडरी थ्रेड यूज होता है। अनट्विस्टेड सिल्क थ्रेड इसमें यूज होता है, वही आपको यूज करना है, अनट्विस्टेड एम्ब्रॉयडरी सिल्क थ्रेड। और इसकी जो डिजाइन्स होती है वो इस तरह से ज्योमेट्रिक होती है, ठीक है। तो आपको मैं ये इस डिजाइन का एक पार्ट इतना आपको ब्लॉक बनाकर दिखाती हूँ आज। तो ये डिजाइन पहले हम ट्रेस कर लेंगे। आपको कैसे ट्रेस करना है आपको पता है? इस तरह से हम लोग पहले इस डिजाइन को बना लेंगे। इसको आपको ट्रेस करना होता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको भी सिर्फ बनाकर दिखा रही हूँ, इसलिए मोटिफ आपको बनाना है, ठीक है। ज्यादा करके इसमें यही आपको डिजाइन्स दिखेगी। आप चाहे तो इस डिजाइन को बढ़ा भी सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको कैसा डिजाइन कितना बड़ा चाहिए, ठीक है। जो मोटिव है वो आप इसके मोटिव्स को और ज्यादा बड़ा बना सकते हो, ठीक है। फुलकारी देख रहे हैं हम लोग। आपको अनट्विस्टेड सिल्क थ्रेड लेना है। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं सिंपल अपने एम्ब्रॉयडरी का जो धागा है उसका यूज कर रही हूँ। तो उसमें आपको 6 प्लाई ही लेने हैं, ठीक है। जितना मोटा होता है धागा उतना है, उसमें से कोई धागे डिवाइड नहीं करने हैं आपको। इसमें जो यूज होता है वो है अपना सैटिन, जो एम्ब्रॉयडरी है वही यूज होती है, ठीक है। लेकिन बैक साइड से हम लोग को वो पूरा कंप्लीटली उसको फिलअप नहीं करना है, बस सिर्फ आगे से करना है। तो हमने क्या किया है, पहले नीडल को नीचे से ऊपर लेकर आए हैं, नीडल थ्रेड को, और जो लाइन होती है उसके ऊपर हम लोग रख देते हैं, ठीक है। मतलब फिर से नीडल डाउन जाएगी। अब जहां से हमने डाउन किया था उसी के थोड़े बाजू से हम लोग नीडल को ऊपर लेकर आएंगे, और जहां पे हमने स्टार्ट किया था उसके बाजू में रख देंगे, ठीक है, फिर डाउन। ये इफेक्ट से
क्या होता है, हम लोग का जो ऊपर का सरफेस है वो पूरा भरा हुआ हमको मिल रहा है, और नीचे से जो होता है वो हमको रनिंग स्टिच जैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो भी मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली करके दिखाती हूँ, आप डायरेक्ट भी इसको ऐसा कर सकते हो। यही से एक थोड़ी सी दूरी पे नीडल को बाहर निकालना है, और इसकी किस इसके एक भी बॉर्डर पे हम लोग को कोई स्टिच नहीं करनी है, क्योंकि ये सैटिन स्टिच है, अपने आप ही फिलअप होती है। इसका बाउंड्री या इसका आउटलाइन आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके पहले आपको मैंने इमेज दिखाया है गूगल पे, आपने खुद भी सर्च किए हैं, तो उसके आउटलाइन पे कुछ भी नहीं रहता है, कोई और स्टिच नहीं रहती है, ठीक है मैम। हाँ, ज्वाइन हुई, कौन सा चीज पढ़ा रहे आप? फुलकारी। हाँ, फुलकारी। मैम ये कौन सी फैब्रिक पे बनाना है, खादी पे? खादी पे, अगर आपके पास खद्दर का फैब्रिक नहीं मिला आपको तो आप खादी पे बना सकते हो। कौन सी स्टिच है मैम ये? स्टार्टिंग। अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, सैटिन स्टिच आपको आती है। सैटिन स्टिच क्या होता है, नीचे से भी पूरी भरी होती है और ऊपर से भी भरी होती है, लेकिन हमको सिर्फ ऊपर से भरना है, इसको नीचे से नहीं भरना है, ठीक है। अभी देखो, यहाँ से ऊपर से पूरा आपको फिलअप किया हुआ मिल रहा है डिजाइन। बैक साइड देखो, इसका कैसे दिख रहा है, भरा हुआ दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? नहीं ना। सोनाली, अंजलि, आवाज नहीं आ रही क्या आप लोग को? आ रही ना मैम, थोड़ी अटक रही थी। तो रिप्लाई दो ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? पीछे साइड से पूरा का पूरा सैटिन नहीं दिखता है हमको, रनिंग यस मैम चीज दिखती है, ठीक है, यस मैम, और ऊपर से हमको सैटिन दिखता है। तो ये हमारा फुलकारी का पहला वाला है, ठीक है, मतलब जिसको फुलकारी बोलते हैं, जो लाइट मतलब लाइट एम्ब्रॉयडरी जिसको बोलते हैं, और बाघ जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो पूरी की पूरी भरी हुई होती है। अब यहाँ पे वी हम लोग का एक सेंटर कंप्लीट हो गया, तो अब इसको हम लोग इस तरह से इस डायरेक्शन में बनाएंगे। धागे को स्ट्रेट पकड़ना है आपको, ताकि ये तिरछा नहीं जाना चाहिए, जो डायरेक्शन इसकी है। इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। और ये अनट्विस्टेड सिल्क थ्रेड से करना है आपको, अनट्विस्टेड सिल्क थ्रेड याद रखना,
अभी यहाँ पे मेरे को दिखाई नहीं दिया कॉलेज में, नहीं तो मैं आपको दिखा दी होती कैसे होता है। इसके ट्रेडिशनल मोटिव्स ही आपको बनाने हैं, ठीक है? आपको गूगल पे इजीली डिजाइन्स अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन नहीं भी मिलती है मैं आपको सेंड कर देती हूँ, ठीक है? कसूती के भी और फुलकारी के भी, दोनों के। कसूती एम्ब्रॉयडरी बनाने का ट्राई किया आपने? हाँ मैम, रॉक्स पे ट्राई किया था। बना? हाँ मैम, थोड़ा सा क्या? वो ग्राफ पेपर पे करके। यहाँ तक आपका फिलअप हो गया है तो आप इसको बैक साइड में जाके एक नॉट आपको लगानी है ताकि ये निकले ना। ज्यादा बड़ी नहीं लगानी, नहीं तो बैक साइड में सिर्फ गिठाने दिखाई देती हैं, ठीक है? आप चाहो तो यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको एक पूरा आपको रेड नहीं चाहिए तो आप नीचे कुछ और कलर भी ले सकते हो, ठीक है? मैं जैसे इसमें ग्रीन कलर यूज कर रही हूं। अभी यहाँ तक हमने ग्रीन रेड लिया तो अभी यहाँ से मैं धागा का कलर चेंज करके आपको ग्रीन यहाँ पे फिलअप करके दिखाती हूँ। ये सैटिन है इसलिए इसमें ज्यादा डिस्टेंस आपको लेना नहीं है। अगर आप ज्यादा डिस्टेंस लोगे प्रॉब्लम हो जाएगी।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क। हेलो ये इस तरह से यहाँ पे मैंने दो शेड्स लिए हैं, ठीक है, तो एक ग्रीन एंड एक रेड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये अनट्विस्टेड सिल्क के साथ ही आपको करना है। अनट्विस्टेड सिल्क थ्रेड आप लोग नोट डाउन कर लो कि आपको वही खरीदने हैं। मैम वो अनट्विस्टेड सिल्क थ्रेड मांगे उसने तो दिए ही नहीं। मिलते हैं, कहाँ गए थे खरीदने? गांधी बाग। मिलते हैं वहां, नहीं तो फिर अपना बर्डी में संगम पतंग नाम का एक शॉप है, रास्ते पर ही है, मेन रोड पे, वहां से खरीद लो। अब मैम ये सिल्क थ्रेड से करना है ना? हाँ, ये अनट्विस्टेड सिल्क थ्रेड से ही करना है। मैम फिर इसमें मतलब कितने लेने पड़ेगी थ्रेड्स, एक सिंगल ही? नहीं, उसमें पूरा जो रहता है ना सिल्क थ्रेड, हाँ, वो आप लोगे तो आपको समझ में आएगा ही, वो बहुत ही पतला रहता है, ठीक है। यस मैम, मेरे पास वो है एक, मैं दिखाऊँ क्या? ये हेलो, देखो, ये इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अब इसका नीचे का साइड भी मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। मैम आपका ये ही नहीं दिख रहा, अटक गया है वीडियो। मैम हाँ, आवाज आ रही है? मैम आपका जो वीडियो है ना वो अटक गया है वो इस पेयरिंग पे ही। आएगा आएगा। अब ये पहले वाले पे मैंने फुलकारी बनाया, नेक्स्ट वाले पे बाग बनाती हूँ, ठीक है। तो मतलब बाग जो एम्ब्रॉयडरी है और फुलकारी एम्ब्रॉयडरी, आपको डिफरेंस पता चलेगा। बाग में जैसे हम लोग सेटिंग करते हैं ना आगे पीछे, बिल्कुल वैसा ही करना है इसमें, क्योंकि आगे से जैसे दिखती है भरी हुई, वैसे ही बैक साइड से भी दिखती है। दिख रहा है ना क्या बन रहा है? कौन सा एम्ब्रॉयडरी कर रही हूं मैं, समझ में आ रहा है?
आ रहा है क्या? ये देखो ये बाग एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है, ये फुलकारी है ऊपर की। फुलकारी में और बाग में डिफरेंस क्या है बताती हूँ। फुलकारी जो है वो सामने से आपको सैटिन दिख रही है और बैक साइड से रनिंग स्टिच आ रही है, लेकिन बाग एम्ब्रॉयडरी में क्या होता है, जैसे सामने दिखता है वैसा ही पीछे भी रहता है, पूरा फुल फिलअप हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों मोटिव मैं कंप्लीट कर देती हूँ। एक साइड बन जाने के बाद इसको नॉट लगानी है बैक साइड से। नेक्स्ट साइड बनानी है अभी। इसको ज्यादा खींचना नहीं है, अगर खींचोगे तो वो फिर आपका डिजाइन बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा से खींच खींच के बनाना नहीं है।
लाइट हैंड से इसको एम्ब्रॉयडरी करो, नहीं तो आपका कपड़ा भी खराब हो जाएगा एम्ब्रॉयडरी के साथ। इसमें जो मोटिफ और कलर्स दिए हैं ट्रेडिशनल, वही आपको यूज करने हैं। रेड ग्रीन येलो पिंक वगैरह को यूज नहीं करना प्रोजेक्ट बनाने के लिए, जो कलर दिए गए हैं वही यूज करना है। फुलकारी समझ में आई अभी? बाग और फुलकारी का डिफरेंस भी समझ में आया अभी? अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है? एक बार इसको देख लो अच्छे से। नहीं मैम, मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो। ये जो ऊपर वाला रेड एंड ग्रीन कलर का दिख रहा है ये फुलकारी है, ठीक है? इसमें क्या होता है, सामने से रनिंग अपना सेटिंग स्टिच है और बैक साइड से क्या दिखता है, रनिंग स्टिच दिखता है, ठीक है? ये देखो, ये डिजाइन अपने को बैक साइड से भरी हुई नहीं दिख रही है, तो ये फुलकारी है, ठीक है? और ये जो नीचे का जो दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का पोर्शन, उसको बाग बोलते हैं, ठीक है? जो हमने फुलकारी में पढ़ा था बाग एम्ब्रॉयडरी, वो ये है, पंजाब की है दोनों भी। बाग में और इसमें यही डिफरेंस है कि जो फुलकारी है वो सैटिन होने के बावजूद बैक साइड से सैटिन नहीं दिखती है। बैक मैम आवाज अटक रही है। आपको रनिंग स्टिच दिखती है और जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो हमको आगे से भी दिखता है और बैक साइड से भी सैटिन दिखाई देता है, ठीक है? तो दोनों में यही डिफरेंस है, इसलिए फुलकारी जो है उसका प्राइस थोड़ा कम रहता है बाग से, ठीक है? हेलो 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 मैम, हेलो
सोनाली रूपाली मैम हेलो। हाँ मैम, ये जो बाग एंड फुलकारी जो है वो मतलब अलग अलग डिजाइन लेके अलग अलग इस पे करना है ना फैब्रिक, मतलब 8x8 के सैंपल में? देखो आपको डिजाइन में दिखा देती हूँ, एक मिनट। यस मैम। इसके गूगल पे आपको ट्रेडिशनल मोटिव्स मिलेंगे, मैं खुद भी आपको सेंड कर दूंगी डाउनलोड करके, ठीक है? तो ये आपको डिजाइन यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये फुलकारी के डिजाइन है, ठीक है? जो भी ज्योमेट्रिकल डिजाइन आपको दिख रही है, लेकिन इसमें पिंक वगैरह शेड यूज किया है, आपको ट्रेडिशनल जो कलर बोले है वही यूज करना है, ठीक है? रेड ग्रीन येलो, ये आपके मोटिव्स है फुलकारी के, ठीक है? इसको अगर बाग में कन्वर्ट करना है, देखो दोनों अपने को बनानी है, बाग भी बनानी है फुलकारी भी बनानी है, तो फुलकारी कैसे बनती है? पीछे से सैटिन नहीं दिखती है, ठीक है? और बाग जो है वो दोनों तरफ से सैटिन दिखती है, समझ में आई बात? यस मैम। हाँ, तो ये आपके मोटिव्स है, इसका 8x8 का ये बनाना है, रुमाल जैसा स्क्वायर बनाना है कपड़े का 8x8 का, ठीक है? और अलग अलग बनानी है, मतलब पंजाब रीजन में ही दो फुलकारी, दो आपको एम्ब्रॉयडरी दिखानी है, समझी बात? नो मैम, अलग अलग। हाँ ठीक है मैम, समझा ना? हाँ मैम, पूछ लो अगर कोई डाउट है तो। ये वाला जो एम्ब्रॉयडरी है ये भी फुलकारी है, ठीक है? लेकिन इसमें इन्होंने कुछ नया क्रिएटिव दिखने के लिए, मतलब अपना डिजाइन को और एनहांस करने के लिए बीच में ये रनिंग स्टिच डाला है, ठीक है? तो आप लोग भी डाल सकते हो, लेकिन प्योर फुलकारी बनाओगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, ठीक है? ये इसके डिजाइन से यहाँ पे मोटिफ बने हुए हैं, इसमें से आपको कोई भी मोटिफ अपने बुक में बना के ट्रेस करना है, ठीक है? स्टॉप करो शेयरिंग। यस मैम। मैम हाँ मैम, वो एक बार फुलकारी का मतलब एक दो स्टिचेस बताओ ना फिर से, वो नेटवर्क की प्रॉब्लम से समझ में ही नहीं आ रहा था मैम। ठीक है मैं बताती हूँ, एक दो ही बताओ मैम। देखो मैं बताती हूँ लेकिन वो पूरा मोटिफ नहीं बनाऊंगी अभी, no, क्योंकि फिर अपना टाइम पूरा वापस हो जाएगा, ठीक है? यस मैम, मैम फिर से अटक गया। एक इतना छोटा बॉक्स है, मैं बॉक्स बना रही हूँ और वो बॉक्स के ऊपर बताती हूँ मैं क्या करूँ, आपके नसीब ही ऐसे है। लो ये आपका बॉक्स है, ठीक है? स्टार्ट हुआ वीडियो, स्टार्ट हुआ आपका? यस मैम। मैम दोनों भी सैटिन से ही बनाने हैं ना अनट्विस्टेड? दोनों सैटिन है लेकिन दिखने में डिफरेंस है, ठीक है? ये देखो आपका बॉक्स बना, यहाँ पे अपने नीडल एंड थ्रेड से इसको ऊपर लेकर आ गए, देन ये बॉक्स कंप्लीट करने के लिए हमको फुलकारी बनाना है पहले, तो ये लाइन के ऊपर थ्रेड रखना है और डाउन करनी है नीडल, ठीक है? अब इसके बाद जहां से डाउन की उसी के जस्ट थोड़ा बाजू से आपको वो नीडल निकालनी है, ठीक है? ऊपर आ गई, अब वापस जहां से हमने स्टार्ट किया था उसके जस्ट थोड़े बाजू से हमको डाउन डालना है नीडल को। इससे क्या क्रिएट हो रहा है, ऊपर सैटिन क्रिएट हो रहा है, इसके ही बाजू से नीडल आएंगे, ऊपर सैटिन क्रिएट हो रहा है और नीचे रनिंग क्रिएट हो रहा है। मैम आप कौन सा कॉटन थ्रेड यूज कर रहे हो क्या अभी? अभी कॉटन थ्रेड यूज कर रही हूँ लेकिन आपको अनट्विस्टेड सिल्क थ्रेड यूज करना है। यस मैम, आपको ये कॉटन यूज नहीं करना है, ठीक है?
अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था, नहीं तो मैं भी वही यूज करती। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई फुलकारी। बैक साइड से आपको क्या दिख रहा है, रनिंग दिख रहा है, दोनों साइड दिख रहा है ना? यस मैम। और आगे से आपको सैटिन दिख रहा है, ठीक है? और बाघ जो है, जो नीचे का ग्रीन वाला जो आपको दिख रहा है पोर्शन, वो पूरा आपको सैटिन से भरना है। समझा? हाँ। कसूती आपने करना स्टार्ट किया है क्या? कसूती एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट किया? मैम वो ब्लॉक्स नहीं बन रहे ना ठीक से, वो ग्राफ पेपर नहीं है, तो आज कर देंगे स्टार्ट। बनाओ अच्छे से, बहुत इजी टेक्निक है। ठीक है, ये हमने आज फुलकारी का एम्ब्रॉयडरी देखा पूरा अपना। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कांथा। ठीक है, कल मैं आपको कांथा एम्ब्रॉयडरी बताऊंगी जो बंगाल की है, कांथा एम्ब्रॉयडरी बंगाल। ठीक है, वो काय पे बनानी है कांथा? कांथा खादी पे बना लो। ठीक है, और कांथा के बाद, कांथा में दो है, एक सूजनी कांथा और एक नॉर्मल कांथा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है आपने इसमें थियरी में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी कल मैं आपको प्रैक्टिकल करते करते आपको बता दूंगी। ठीक है, एंड मैम वो आपने जो वो उसका जरदोजी का भी लेने लगाए थे ना? हाँ, लेके आगे सामान। हाँ मैम, वो कौन से फैब्रिक पे बनाना है? हेलो, जरदोजी आप कॉटन पे बनाओ, पॉपलिन। ओके मैम, क्योंकि उसको अगर एकदम फाइन फाइन फैब्रिक पे बनाने जाओगे तो अभी आपका हाथ बैठा नहीं है, जब बैठ जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप उसको फाइन फैब्रिक पे बना सकते हो। मैम मुझे क्या लगा वो खादी पे ही बनाना है, क्योंकि हमने खादी का कपड़ा कम लाए ना इसलिए। खादी पे आप कांथा कितना लाए, आधा मीटर ना? हाँ मैम, हाफ मीटर। हाँ, बन जाता है उसमें, खादी में कांथा बन जाएगा, फुलकारी बन जाएगा और बचता है, लेकिन वो किसी और एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज करेंगे। यस मैम, ओके मैम, ठीक। और कुछ क्वेश्चंस पूछने? नो मैम। ओके, तो कल कांथा, और कांथा अगर जल्दी खत्म होता है तो चंबा रुमाल भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, और इसके प्रैक्टिकल बनाना स्टार्ट करो, आपको ये सबमिट करना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा तो पूछो। ठीक है, कसूती के आपको मोटिफ नहीं मिले है ना? नहीं ना, गूगल पे सर्च नहीं किया क्या आपने? और ठीक है, मैं भेजती हूँ आपको अभी। कसूती और फुलकारी दोनों के मोटिफ मैं बेचती हूँ। ठीक है, अभी क्या मैम?
मैम लीव कर दूं क्या? नहीं, दो मिनट रुको, मैं आपको भेज रही हूँ, टाइम है ना अपने पास? यस मैम। ग्राफ पेपर भी बने हुए भेज रही हूँ, एक एक दो और एक ऐसे ही भेज रही हूँ, ठीक है? यस मैम। आप लोग को जो ठीक लगे, जो इजी जाता है वो आप वैसा बनाना। हेलो मैम, मैम वो कसूटी में भी पिंक वगैरह नहीं यूज कर सकती क्या उसमें थ्रेड? कर सकते हो, पर ब्लैक और रेड का यूज करो ना। कौन सा ब्लैक? ब्लैक और रेड। मैम सभी एक ही करेंगे, चार सैंपल में एक ही कलर यूज करना पड़ेगा फिर? तो क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं ना मैम, अच्छे दिखने चाहिए ना। अरे बट आपका ट्रेडिशनल, आपको वही कलर्स बोले हैं तो आपको बार बार वही कलर यूज करने पड़ेंगे ना। ओके मैम, ठीक है, दिखते अच्छे, बहुत प्यारे कलर है वो। ठीक है, देखो आपको मैंने आपको चार भेजे हैं इमेजेस। फुलकारी भेजती हूँ, देखा? हाँ मैम। ये फुलकारी का इमेज जो है ना, वो भी आपको ग्राफ पेपर पे ही बनाना है, ठीक है? मतलब ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो आपको इजीली ट्रेस करने के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है? ये मैंने फुलकारी के भेजे, मिल गए? मिले? मिले क्या फुलकारी के इमेजेस? हाँ मैम। जो इजी लग रही है वो बनाना, जो नहीं समझ में आई पूछो। अगर ग्राफ पेपर पे आपको ड्रॉ करते नहीं आ रहा है फुलकारी तो पूछ लेना। यस सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो लेफ्ट कर लो। नो मैम। मैम लेफ्ट हो जाओ। हाँ बाय मैम। बाय बाय मैम।